मैदान श्रीलंका का था, लेकिन लग रहा था कि मैच मुंबई या फिर दिल्ली में खेला जा रहा है। इसके खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत का जश्न सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कोलंबो में भी खूब मनाया गया। सिर्फ हिंदुस्तानी फैंस ही नहीं बल्कि लंकाई फैंस ने भी टीम इंडिया का साथ दिया। शुरुआती ओवरों में जब रोहित शर्मा ने बाउंड्री डाला तो लंकाई फैंस ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों को चिढ़ाने के लिए नागिन डांस करने लगे। दर्शकों का मनोबल बढ़ाने के लिए शिखर धवन ने भी फैंस के साथ बीच मैदान में ही नागिन डांस किया। टीम इंडिया की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका का झंडा क्या थामा, पूरी लंका उनकी फैन हो गई। कार्तिक के छक्के ने न सिर्फ इन सब का सपना पूरा किया बल्कि बदतमीज बांग्लादेश को सबक भी सिखा दिया। यह कहानी उस दौर की है जब लंका की धरती में बांग्लादेशी नाग का आतंक था और इस आतंक की गवाही था उनका ये नागिन नाच। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन समी ने बांग्लादेश के स्पिनर को नजमुल इस्लाम से कहा कि वह एक सांप की तरह है। इसके बाद नजमुल हर बार विकेट लेने के बाद नागिन नाच करने लगे, लेकिन 2018 में जब श्रीलंका ने बांग्लादेश का दौरा किया तो अलग ही कहानी शुरू हो गई। नजमुल ने विकेट लेने के बाद नागिन स्टाइल में ही सेलिब्रेशन किया। बाद में श्रीलंका के खिलाड़ी ने नजमुल मजाक उड़ाते हुए इसी स्टाइल को कॉपी किया। बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी रहीम को यह बात पसंद नहीं आई और निभास ट्रॉफी का मुकाबला जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने नागिन डांस किया। लंका को लंका में ही पराजित कर बांग्लादेश संपूर्ण लंका वासियों का अपमान कर रहा था। लंका की इस हार के बाद इन नागों के निशाने में था अपना भारत। बांग्लादेशी नागों का बढ़ रहा ये वर्चस्व अब फाइनल तक आ पहुंचा था। इनके मसूबे साफ थे कि भारत को पराजित करो और संपूर्ण भारत के सामने अपना नागिन डांस करो। बांग्ला का यह घमंड पूरी तरह चरम पर था क्योंकि जिस लंका को बांग्लादेश ने पराजित किया था वही लंका लीग इस टेस्ट में इंडिया को पहले पराजित कर चुका था। टीम इंडिया एक नए कप्तान और एक नई टीम के साथ लंका के मैदान पर गई थी और इस यंग भारत के सामने थे बांग्लादेश के नौ। भारत के सामने चुनौती थी इन बांग्लादेशी नागों की। इस चुनौती के लिए तैयार था हिटमैन और हिटमैन का प्लान था एक ऐसा प्लान जिसे याद करके आज भी बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग कांप उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, द रिवेंज ऑफ नागिन डांस। 18 मार्च 2018 कोलंबो का ये मैदान, दोनों टीमों के कप्तान हम मैदान पर थे। लंका और भारत के लोगों से भरा हुआ यह स्टेडियम उस दिन उस नाच के अंत का गवाह बनने वाला था। कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्ला की ओर से ओपन कर रहे थे तमीम इकबाल और लिट्टन दास। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की। शुरुआती तीन ओवर में बांग्लादेश 26 रन बना चुका था। ऐसे में कप्तान रोहित ने सुंदर को आक्रमण पर बुलाया। सुंदर ने आक्रमण में आते सबसे पहले लिट्टन दास को अपना शिकार बनाया। उसके बाद पांचवे ओवर में युजवेंद्र चहल ने बांग्लादेशी का फन कुचल दिया। बांग्ला के दोनों ओपनर अब मैदान छोड़ चुके थे लेकिन चहल का पलटवार अभी भी जारी था। ठीक तीन गेंद बाद चहल ने एक बार फिर से सौम्या की सरकार गिरा दी। पावर प्ले खत्म होते होते बांग्लादेश महज 40 रन बना पाता है और अपने तीन विकेट खो चुका था। शुरुआती तीन ओवर में 26 रन बनाने वाला बांग्लादेश अगले तीन ओवर में महज 14 रन ही बना पाता है और अपने तीन बड़े विकेट बैक टू बैक खो चुका था। लेकिन रहीम और रहमान ने बांग्ला को संभालने का प्रयास किया और इन दोनों के संघर्ष के चलते बांग्लादेश 10 ओवर में 68 रन बना चुकी थी। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रोहित ने अपने बाम अस्त्र यानी कि युजवेंद्र चहल का प्रयोग किया और उम्मीद के मुताबिक चहल ने रहीम को अपना शिकार बनाकर बांग्ला को एक और बड़ा झटका दे दिया। बांग्लादेश के शुरुआती चार बल्लेबाज अब पेवेलियन की राह पकड़ चुके थे लेकिन शब्बीर रहमान का संघर्ष अभी भी जारी था। रहमान के संघर्ष के बदौलत बांग्ला का स्कोर 15 ओवर में 110 था और 16वें ओवर तक शब्बीर रहमान का अर्धशतक हो चुका था। अर्धशतक के बाद शब्बीर रहमान और स्फोटक हो चुके थे और 17वें ओवर में शब्बीर रहमान ने विजय शंकर को बैक टू बैक दो बड़े शॉट खेलकर विजय के इस ओवर में 14 रन कूट दिए थे। शब्बीर का विस्फोटक प्रारंभ हो चुका था परंतु इस विस्फोटक के बीच एक गलतफहमी और उस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। शाकिब के आउट होने के बाद भी बांग्लादेशी नागों का आक्रमण जारी रहता है। विजय और शार्दुल की खराब गेंदबाजी के चलते 18 ओवर तक बांग्लादेश 145 रन बना चुकी थी। 19वें ओवर में उनड़कट ने शब्बीर रहमान का विकेट लेकर के टीम इंडिया को कुछ हद तक राहत दी परंतु तब तक शब्बीर रहमान 50 गेंदों में 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल चुके थे। अब बांग्लादेश की पारी का एक ओवर बाकी था और उस ओवर को फेंक रहे थे लॉर्ड शार्दुल। शार्दुल के आखिरी ओवर में मेहंदी हसन मिराज 18 रन कूट दिए और इन 18 रनों की बदौलत बांग्लादेश के खाते में 166 रन हो चुके थे। 40 रन पर अपने तीन विकेट खोने के बाद बांग्लादेश ने 166 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी।
अब टीम इंडिया को 120 गेंदों में 167 रन बनाने थे, परंतु बिना विराट बिना माही के यह स्कोर टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में संपूर्ण जिम्मेवारी कप्तान हिटमैन और ओपनर शिखर के कंधों पर ही थी। ऐसे में उम्मीद थी कि रोहित और शिखर टीम इंडिया के लिए एक शानदार शुरुआत करेंगे और इस शुरुआत की बदौलत टीम इंडिया बड़े आराम से इस लक्ष्य को अचीव कर लेंगी और इसी उम्मीद के साथ संपूर्ण भारत इस मैच को देख रहा था। टीम इंडिया के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित और धवन मैदान पर थे। मैच के पहले ही ओवर में दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेशी कप्तान साकिब उल हसन का इस चौके के साथ स्वागत किया। बांग्लादेश शुरुआत से ही अपने स्पिन के साथ टीम इंडिया पर प्रहार करना चाहता था और अपने इस प्रहार को पलटवार में बदलने के लिए बांग्लादेशी कप्तान ने अपने दूसरे स्पिनर मेहंदी हसन मिराज को पारी के दूसरे ही ओवर में इस्तेमाल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने मेहंदी हसन के दो छक्के और दो चौके लगाकर 17 रन कूट दिए। टीम इंडिया पावर प्ले में शानदार शुरुआत कर चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेशी गेंदबाज पर टूट पड़े थे। बांग्लादेश शुरुआत से बैकफुट पर नजर आ रही थी, परंतु बांग्लादेश कप्तान साकिब उल हसन ने शिखर को अपना शिकार बनाकर बांग्लादेश का मिनी कमबैक कराया। परंतु उस दिन कप्तान रोहित के इरादे कुछ अलग ही थे। एक तरफ से टीम इंडिया के बैक टू बैक अपने विकेट खो रही थी, वहीं कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेशी नागों की पिटाई कर रहे थे। उस दिन कप्तान रोहित ने अकेले पावर प्ले में 39 रन बना डाले। अब पावर प्ले खत्म हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर 56 पर 2 विकेट था। पावर प्ले खत्म हो चुका था और सब कुछ टीम इंडिया के कंट्रोल में था। रिक्वायर्ड रन रेट टीम इंडिया के मुताबिक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में है और टीम इंडिया को एक तरफा जीत मिलेगी, लेकिन 10वें ओवर में टीम इंडिया के एल राहुल का विकेट खो चुकी। अब अगले 60 गेंदों में टीम इंडिया को 83 रनों की जरूरत थी। रन रेट पर सवार रोहित का बल्ला अर्धशतक के करीब पहुंच चुका था और हिटमैन की 50 होती है और इस 50 के बाद टीम इंडिया को कप्तान रोहित के रूप में सबसे बड़ा झटका लगा जब इस्लाम की इस बॉल ने बांग्लादेश की उम्मीदों पर 4 चांद लगा दी। 42 गेंदों में 56 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 115 रनों पर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। अब रिक्वायर्ड रन रेट 11 के करीब जा चुका था। यहां से टीम इंडिया को अगर यह मैच जीतना है तो अगले 30 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। कप्तान के विकेट के बाद एक एक रन को मोहताज थी। ना तो मनीष के बल्ले से रन निकल रहे थे और ना ही शंकर का जादू दिख रहा था। अब एक बार फिर से बांग्लादेशी नागो का डोमिनेंस टीम इंडिया पर था। उनकी इस किफायती गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया अगली 18 गेंदों में महज 18 रन बना पाती है। भारत के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन डीके अभी भी मैदान पर नहीं थे। कप्तान रोहित की यह कप्तानी तमाम दिग्गजों के समझ से परे थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन कप्तान रोहित के दिमाग में क्या चल रहा था। टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए लगभग 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। भारत जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा था, उस हिसाब से भारत यह मैच पहले हार चुका था। तब ऐसे हालात में एंट्री होती है अनफिनिश्ड फिनिशर डीके की। अब संपूर्ण भारत की निगाहें डीके पर थी और डीके की निगाहों में संपूर्ण बांग्लादेश था। 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आया डीके और डीके के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वह उस दिन उस मैच को जिताकर संपूर्ण भारत के लिए हीरो बन जाए या फिर उस दिन उस मैच के विलन। ऐसे हालात में आखिरी 12 गेंदों का खेल प्रारंभ होता है। 19वीं ओवर की पहली बॉल पर डीके ने एक शानदार छक्का लगाया। 19वीं ओवर की दूसरी बॉल में डीके ने एक शानदार चौका लगाया। 3री बॉल पर एक बार फिर से छक्का। डीके ने शुरुआती 3 गेंदों में 16 रन कूट दिए थे। यह मैच बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब अगले 9 गेंदों पर टीम इंडिया को 18 रन की जरूरत थी। 19 ओवर खत्म होते होते डीके ने टीम इंडिया के लिए 22 रन बटोरते। अब यह मैच जीतने के लिए अगली 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। अब अगली 6 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि यह मैच यह फाइनल या तो भारत के शेर जीतेंगे या फिर बांग्लादेशी नाग। आखिरी ओवर में साकिब ने सौम्य सरकार को बॉल थमा दी और टीम इंडिया के लिए मेन स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। वही शंकर जिसका बल्ला इस मैच का विलन था, क्योंकि जिस हिसाब से शंकर टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे उस हिसाब से भारत की पराजय तय थी। परंतु सौम्या की पहली बॉल और वाइड, दूसरी बॉल पर विजय डॉट खेल जाते हैं। 3री गेंद पर 1 रन, शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन आ चुके थे। अब अगली 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, परंतु डीके ने 1 रन लेकर विजय को एक बार फिर से स्ट्राइक दे दिया। ओवर की 4थी बॉल, अब यह मैच किसी भी तरह भारत के हाथ में नहीं था, क्योंकि विजय के बल्ले से ना तो बॉल टकरा रही थी और ना ही विजय के बल्ले से रन निकल रहे थे। परंतु 4थी बॉल पर विजय ने चौका लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। अब अगली 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और विजय एक बड़े शॉट के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। मैच के सारे समीकरण पूरी तरह बांग्लादेश नागों के पक्ष में जा चुके थे। इस फाइनल मैच की यह फाइनल बॉल बाकी थी और मेन स्ट्राइक पर डीके नाम का तूफान था। संपूर्ण भारत उंगलियां कसकर बैठा था। लंका की बांग्लादेशी नागों की पराजय देखना चाहता था। मैच अपनी हाई डेंसिटी को पार कर चुका था। दोनों देशों की पब्लिक एक साथ मिलकर के एक शॉट का इंतजार
इंतजार कर रही थी। लोगों का जश्न दुआओं में बदल चुका था और सबके मन में दुआएं थी। उस दिन डीके के लिए संपूर्ण भारत, संपूर्ण लंका एक साथ एक स्वर में प्रार्थना कर रहा था। मैच की आखिरी बॉल, भारत को जीतने के लिए चाहिए 5 रन, सरकार के हाथ पर बॉल और सामने थे दिनेश कार्तिक। सरकार ने साइड में फुल लेंथ की बॉल फेंकी और दिनेश कार्तिक का यह शॉट। देखते ही देखते उस खामोश ग्राउंड में नागो के फैन निकल चुके थे। संपूर्ण लंका उन बांग्लादेशी नागो के सामने नागिन डांस कर रहा था। भारतीय शेयर दिनेश कार्तिक बेधड़क अपने अंदाज में दहाड़ रहे थे। चारों तरफ स्टेडियम में इंडिया इंडिया डीके डीके की खोज थी। देखते ही देखते दिनेश कार्तिक उस दिन दो देशों के हीरो बन चुके थे। कार्तिक के एक छक्के ने बांग्लादेशी नागो के जड़बे से उस दिन की जीत छीन ली थी। टीम इंडिया के डगआउट में जश्न का माहौल था। सारे खिलाड़ी दौड़ करके मैदान में आ पहुंचे थे। कोई डीके को उछाल रहा था तो कोई डीके को शाबाशी दे रहा था। कहते हैं कि यह मैच कई बेहतरीन मैचों में से एक है और इस मैच को बांग्लादेश अभी भी याद करके रो देता है। उस दिन डीके ने महज 8 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली थी। ऊपर से छक्का मारकर न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि ड्रेसिंग रूम की इज्जत भी रख ली। दिनेश कार्तिक ने ऐसी पारी खेली कि इस वक्त हिंदुस्तान का हर आदमी सिर्फ उनका ही नाम ले रहा हो। यह रहा इंडियन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और यह रहा बांग्लादेशी गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। उस मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भारत के झंडे के साथ लंका के झंडे को फहराकर लंका के उस अपमान का बदला लिया था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही स्टोरी के साथ। धन्यवाद।